शुरुआत हो रही है बिस्मिल्लाह के साथ, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब से हम आज ये इंटरव्यूज वगैरह हमने देना शुरू किया है, तब से एवरीबडी आस्क्स जैज़िन कि आप गा के सुनाइए। हमेशा ही जब मैं सुनती हूँ मुझे उतना ही अच्छा लगता है। इट्स नॉट दैट हमने पूरा शूट कर लिया, उसके बाद प्रमोशन शुरू हो गई हैं, बट एवरी टाइम ही सिंग्स इट्स जस्ट मैजिक। बिल्कुल, जैसे सुरभि ने कहा है, जाज़िम सर की आवाज़ ही इतनी अच्छी है। अभी हम उनका वीडियो देख रहे थे, बचपन से ही इज़ बीन प्रैक्टिसिंग अपना गाना, तो वो दिख जाता है कला। और इतना गाना जब मैंने पहली बार सुना है तो आपके यू नो ज़बान पे रह जाता है गाना हमेशा के लिए। एंड सुरभि के साथ तो व्हाट कैन आई टेल यू, आई थिंक द केमिस्ट्री, मेरा काम ईजी हो गया था एज एन एक्टर ऑल्सो, क्योंकि सुरभि सो एक्सपीरियंस, तो एंड एक केमिस्ट्री भी ईजी हो गई थी, बिकॉज सुरभि के साथ डिफ़िकल्ट नहीं था काम करना। शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ एंड मच मोर देन आई एक्सपेक्टेड, सो दैट्स द रीज़न बहुत स्मूथ गया, हर चीज़ बहुत स्मूथ गई। मैंने रोहित को सिखाया था ये इंटरव्यू से पहले कि इसकी अलग से प्रैक्टिस हुई है। आई ओनली हैव गुड थिंग्स टू से अबाउट हिम। ही इज़ वेरी गुड at what he does because he puts his heart and soul into it, and he didn't take it lightly. He didn't think ki music video hai, masti, of course masti thi, it was fun shooting the song, but he was very excited. And it's not that he's not experienced, of course he is. रैंप पे वॉक करने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं, सो ऑफ कोर्स ही हैज एक्सपीरियंस ऑफ, या ऑफ कोर्स ही इज मिस्टर वर्ल्ड, पूरी दुनिया के सामने ही मस्ट हैव वॉक्ड एंड शोड हिज मूव्स, सो ऑफ कोर्स ही इज एक्सपीरियंस्ड, बट वेरी गुड को स्टार। और सी ओवरऑल ना, सिंगर्स एंड को एक्टर एंड डायरेक्टर्स, ओवरऑल टीम बहुत अच्छी थी, सो द वाइब व्हेन वी वर शूटिंग द सॉन्ग वाज वेरी गुड। और वो एक वाइब का जो तार जुड़ा हुआ है ना इस गाने के साथ, दैट इज द यूएसपी ऑफ द सॉन्ग, यू विल लव इट। बिकॉज हम सी व्हेन आपकी मदर आपके लिए खाना कुक करती है, वो इसलिए भी अच्छा होता है क्योंकि अच्छा बना है, इसलिए भी अच्छा होता है, बहुत अच्छे इंटेंशन से बनाया गया, सो द वाइब ऑफ दिस सॉन्ग इज सो प्योर, सो दैट इज द रीजन दैट यू गाइस आर गोना लव इट। सी आई डोंट बाउंड माई सेल्फ कि मुझे सिर्फ यही करना है, बिकॉज एज अ पर्सन एज एन एक्टर आई वॉन्ट टू एक्सपेरिमेंट। मैं आई एम नॉट अ सिंगर, सो आई डोंट हैव अ चॉइस कि मैं इसी तरह के गाने गाऊंगी, आई एम एन एक्टर, तो मुझे कोई भी गाना अच्छा लगे, चाहे वो किसी भी जॉनरा का हो, किसी भी सिंगर का हो, इफ़ आई लाइक द सॉन्ग आई डू इट। इस गाने को पसंद करने के पीछे ऑफकोर्स दिस सॉन्ग इज आउटस्टैंडिंग, बट आई थिंक द बिगर रीजन इज दैट दिस सॉन्ग इज इन पंजाबी, और बस आई वॉज सोल्ड वेन आई हर्ड द सॉन्ग, क्योंकि पंजाबी में था, तो बस दिस इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। हाँ जी, हाँ जी, बेसिकली 6-7 साल पहले मेरा बिस्मिल्लाह एक और आया था गाना, वो टाइम से मैंने उसको लॉन्च किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो गाना इतना बड़ा था। मैं आपको सच बताता हूँ, क्योंकि मैं जनरली मैंने वो गाना किया, लॉन्च किया, फिर आई एम मोर इनटू गज़ल्स, तो मैं अपने गज़ल्स में शुरू हो गया अपना, लेकिन ये मेरे हर शो में, मेरे हर कॉन्सर्ट में बिस्मिल्लाह की फरमाइश आती थी मुझे हमेशा, मैं कहीं भी जाता इंडिया में अब्रॉड में तो। लेकिन वो क्या था, मैं अभी पंजाब में मेरे पिछले कुछ 2-3 सालों में चक्कर ज़्यादा मेरे लगे, तो वहाँ पे हर बंदा मुझे ये बताया, यार पाजी बिस्मिल्लाह जैसा गानों की ओर निकालो, बिस्मिल्लाह जैसा गाना हम अभी भी मिस कर रहे हैं आपका, वो वाला रंग जो है सूफी वाला। एंड आई एम रियली रियली एक्साइटेड कि जब सब आप लोग उस गाने को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आप प्यार देंगे, आई एम सो श्योर। अभी तो ये बिस्मिल्लाह शुरुआत हो रही है, अगर आप जाना चाहेंगे आप किन और चीज़ों के साथ बिस्मिल्लाह करना चाहेंगे अपनी लाइफ में? As I said that I am very open as an actor, तो कुछ भी, see जब मैं एक project शुरू करती हूँ वो अपनी तरह से बिस्मिल्ला ही होता है, अपने उस project की individually तो वही शुरुआत होती है, और वॉट एवर कम्स माई वे इफ आई एम लाइकिंग इट आई विल डू इट। बिल्कुल, as Surabhi was telling, an artist को तो हर चीज़ के लिए ready होना चाहिए, वॉट एवर कम्स देयर वे। एंड मेरे लिए भी एक गाना जब मैंने देखा था कि इसमें ऐसे एक्सप्रेशंस है कि फाइट हो रही है, रोना है, एंड काफ़ी सारी चीज़ें मैं जो बोल नहीं सकता आपको, सो तो आई एम ओपन टू एवरीथिंग, क्योंकि एक लर्निंग होती है, आई थिंक लर्निंग कीप्स यू गोइंग, आप एक ही चीज़ करके बोर हो जाओगे, तो आई एम ओपन टू लर्निंग।
कुछ डिफरेंट ही करना चाहूँगा अगर करना चाहूँगा तो मैं। पोस्टर दिख रहा है बहुत ही खूबसूरत जहाँ पर आप लोग विश मांग रहे हैं, क्या है इसकी पूरी कहानी थोड़ा बताना चाहेंगे? We are not together, any of us, as you can see. ऐसा दिखाया भी नहीं गया कि कोई साथ में है. अलग अलग individual shots हैं ये, but हमारे makers जो Snow Records के हैं उनको लगा होगा कि हम सबसे ज़्यादा खूबसूरत और बढ़िया इन्हीं pictures में लग रहे हैं. So let's put all these pictures together and make a poster. So अपने fans से क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाह उनके लिए भी एक शुरुआत होगी, एक कुछ कहना चाहेंगे, कुछ message कहना चाहेंगे? I would say that बहुत जी जान से, बहुत प्यार से ये गाना बना है, एंड आई एम श्योर वो प्यार जो है वो आपको इस वीडियो में नज़र आएगा. एंड वी वॉन्ट दैट सेम लव फ्रॉम ऑल ऑफ यू. आई वुड से दैट प्लीज़ वॉच द वीडियो, प्लीज़ लिसन टू द सॉन्ग एंड गिव ऑल योर लव टू ऑल ऑफ अस. वेल थैंक यू कहना चाहूँगा फॉर टेकिंग योर टाइम आउट टू वॉच दिस एंड टू वॉच द वीडियो आउट विच इज़ कमिंग. इट्स बीन डन रियली वेल एंड डेफिनेटली मैं दीपक और मनीष के बारे में बोलूँगा. दे हैव वर्कड वेरी हार्ड फॉर दिस वन. सो डू लेट अस नो हाउ डिड यू फाइंड इट इन द कॉमेंट्स. थैंक यू.